गाबा सर, रखिए गाबा सर को स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग गाबा सर। सब पूछ रहे थे कल आपने चाचा भतीजा निफ्टी क्यों नहीं किया। मुझे खुद ध्यान नहीं था, जब मुझे मैसेज आया तो मैंने आपको मैसेज भेजा। मुझे तो याद था आप वो ट्रिप से अभी तक बाहर नहीं आ पा रहे हो। मुझे बोला गया कि लास्ट जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है साइट पर वो है 29 जनवरी की। मुझे पता भी नहीं था इतना दूर है, लोग इतना फॉलो करते हैं मुझे मैसेज, इसलिए मैंने आपको मैसेज भेजा। ये क्या हो गया, मैं तो भूल गया था ऑनेस्टली। लेकिन नहीं, गलती हो गई है। मंडे से गाबा सर छुट्टी से लौट के आए, अपन लोग अभी ब्रेक दिया था गाबा सर, ऐसा कहना चाहिए। अपनी गलती तो है नहीं, गाबा सर को ब्रेक दिया था अपन ने। मंडे ऑनवर्ड्स चाचा भतीजा निफ्टी शेड्यूल पे वापस। मैंने मैसेज किया कि वो छुट्टी पर है, पूछा क्यों नहीं आप लोग, मैसेज किया कि छुट्टी पर है बताओ। उन्होंने बोला नहीं, मैंने देखा सुबह। मैं टॉप कॉल पे आता हूँ उससे पहले। रखिए जरा स्क्रीन पे खिलखिलाते हुए, आप मानस को दिखाइए स्क्रीन पे भैया। आज तो दिन है, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं आपको हम सब की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, पूरी टीम को सीएनबीसी आवाज की। और हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है बर्थडे के दिन सीएनबीसी आवाज के साथ सेलिब्रेट करना। मानस गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। और आपका सफ़र मैंने काफ़ी समय से मतलब फॉलो किया है, जब आप मोतीलाल ओसवाल में थे तब से, और उसके बाद जब से आपने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि आपकी वर्क एथिक्स और आपकी कमिटमेंट और आपकी इंटेग्रिटी ये सभी बहुत शानदार हैं। तो पूरी टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मानस। थैंक यू है माना, उसको अच्छा लगता है जब हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं, आवाज पे सेलिब्रेट करते हैं। अगले साल में देख रहा था जब बर्थडे आएगा संडे पड़ेगा, मानस फिर क्या करेंगे अपन? तो फिर या तो फिर फ्राइडे को सेलिब्रेट करेंगे और या तो फिर मंडे को सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ ही। इसमें एक चीज अच्छी हो गई, ये साल लीप ईयर है, वरना अगले साल टेक्निकली सैटरडे आता और उसके अगले साल संडे आता, तो अभी सिर्फ एक ही साल चलिए। टॉप कॉल कास्टिंग वापस डॉक्टर साहब गाबा सर को स्क्रीन पे। गाबा सर, आज का सबसे प्रेफर्ड पिक कौन सा? बिल्कुल सबसे पहले मानस को मलाई मक्खन, सबसे पहले मानस को मलाई मक्खन, हैप्पी बर्थडे। इसके साथ मुझे भी भिजवा दीजिए। लखनऊ की स्पेशल डिश है, स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज का बेस स्टॉक में एक रेसिलियंस है ऑन द डाउन साइड, नीचे मिलता है बाउंस मिलता है फिर बाउंस मिल जाता है यहाँ, तो इसमें गिरावट नहीं है, इसमें स्ट्रेंथ नजर आती है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। ट्रेड करा है 3454 पर पीआई इंडस्ट्रीज, 50 रुपए का स्टॉक लगा था, नहीं ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है पीआई इंडस्ट्रीज के वो 3550 के हैं, तो मुझे लगता है पीआई इंडस्ट्रीज को लेना चाहिए, आसपास मिले तो लेना चाहिए, गैप मिले तो उसको छोड़ दीजिए, टच मत कीजिएगा, लेकिन यस पीआई इंडस्ट्रीज। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज हो गई गाबा सर की पिक का। मानस आप क्या कैरी कर, आप क्या ट्रेड लेंगे? तो देखिए एक सेल साइड पे ट्रेड होगा अरुण जी, कोटक बैंक, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है, देखिए कोशिश की स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने की, लेकिन फेलियर देखने को मिला, कल फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो यहाँ पर अभी भी बिकवाली करने की सलाह रहेगी। कोटक बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करनी चाहिए, 1740 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, वहां पर 1766 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे की तरफ 1690 के टारगेट सेट करने हैं कोटक बैंक के फ्यूचर में। ऑप्शन भी आप ट्रेड ले सकते हैं, 1740 वाला पुट ऑप्शन जो 38 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे 29 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, आई थिंक यहाँ पर आपको 60 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लीजिए भैया बैंक में बिकवाली, कोटक महिंद्रा बैंक एक फ्रेश ब्रेकडाउन, बिकवाली करने की सलाह मानस की तरफ से। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग, शिल्पा जी आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी बर्थडे टू मानस जी। यहाँ पे मुझे बिरला सॉफ्ट अच्छा लगता है, आईटीआई बिलीव आज अच्छा करना चाहिए, तो यहाँ पे बिरला सॉफ्ट फ्यूचर्स अराउंड 842 पे क्लोज हुआ है। अगर ये इसी लेवल पे खुलता है तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 830 आप इसमें बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 880। ओके, बिरला सॉफ्ट ये हो गई शिल्पा जी की पिक इस समय। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत जी आप क्या ट्रेड करी करेंगे? जी मानस जी मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, गुड मॉर्निंग टू द पैनल, और मेरी पिक भी बिरला सॉफ्ट है, तो मैं उसको चेंज करके naukri.com यानी InfoEdge जाना चाहूंगा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 5415 5415 का और टारगेट रखेंगे 5675 5675 का। भाई साहब बिरला सॉफ्ट दोनों को पसंद आ रहा था,
लेकिन चलिए अगला पिक के तौर पे InfoEdge naukri.com सावन साहब का आइडिया। बहती साहब गुड मॉर्निंग, बहती साहब आज का प्रेफर्ड पिक, आज का टॉप कॉल साहब कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मानस जी। आशीष जी, मेरा आज का टॉपिक रहेगा एचसीएल टेक्नोलॉजीज। क्लियरली इसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, स्टॉक ने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करा और जिस हिसाब से एचसीएल टेक ने पूरे लार्ज कैप आईटी में लीड किया था, हमें लग रहा है अब यहाँ से भी वापस एक बड़ा मूवमेंट इसमें देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, कोई भी डिप आए तो उसमें भी जरूर पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 1610 का एक एसएल मेंटेन करें, हमें लग रहा है इसमें 1670 एंड 1690 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। HCL Technologies, उधर बिरला सॉफ्ट, उसके बाद HCL Tech, naukri.com को इस स्पेस से जोड़ लीजिए, या तड़के वाला स्पेस शायद नजर आ रहा है। ये चर्चा भी हुई थी अपफ्रंट ग्लोबल के बाद के रेडार पर रखना है आईटी एज अ स्पेस को, वो शायद एक राहत लेकर आए बाजारों के लिए। आज के सारे ट्रेड्स हो गए, लेकिन एक फंडामेंटल आइडिया, अब अहमदाबाद चला जाए पार्थिव शाह के पास। पार्थिव हाय, गुड मॉर्निंग, बड़े दिनों बाद दिख रहा हूँ, क्या हाल चाल आपके? गुड मॉर्निंग आशीष जी, सब ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज फाइन। पार्थिव कौन सा स्टॉक आज हमारे लिए? गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, हमारे पैनलिस्ट, हैप्पी बर्थडे विशेस टू मानस जी और गुड विशेस टू व्यूअर्स एज वेल। सी, पावर एज अ सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा है और हमने सोचा कि पावर सेक्टर के अंदर जो यूटिलिटीज है वो काफी हद तक बढ़ चुके हैं, तो व्हाई नॉट थिंक ऑफ सम प्रॉक्सीज। तो प्रॉक्सीज में जो एक कंपनी है पीटीसी इंडिया, बेसिकली पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। बेसिकली अगर देखने जाए तो उनका जो कोर मार्जिन है जहाँ पे वो ट्रेडिंग करते हैं, That has increased by 18% और ये purely based on operating leverage हुआ है, तो ये बहुत अच्छा न्यूज है। लॉन्ग और मीडियम टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनके, जिसमें इवन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होते हैं, वहां पे भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमने देखा और आगे जाते भी मैनेजमेंट ने कॉमेंट किया है कि ये बरकरार रहेंगे। पर यूनिट ट्रांजेक्शन देखे तो वो करीबन 16% से इंक्रीज हुआ है, विच इज ऑल्सो वेरी हेल्दी ग्रोथ। काफी नए प्रोडक्ट्स भी है इनके पास, वी नो फॉर द फैक्ट कि इनके पास एक सब्सिडरी पावर एक्सचेंज है HPX, जहाँ पे लॉन्ग टर्म पावर कॉन्ट्रैक्ट्स में उनका मार्केट शेयर काफी हद तक ग्रो हो रहा है और ये काइंड ऑफ ब्रेक इवन भी हो चुका है ये एक्सचेंज। और आगे जाते हमने देखा है जैसे कि IEX में कितने अच्छे मार्जिन और कितना फ्री कैश फ्लो जनरेशन पोटेंशियल है, तो ये आगे जाते बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है पीटीसी इंडिया के लिए। गाइडेंस की बात करें तो मैनेजमेंट काफी अपबीट है, जिस तरह की पावर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो मैनेजमेंट इज वेरी अपबीट। उन्होंने एक उनका जो पीटीसी एनर्जी डिवीजन है 900 करोड़ के आसपास वो ONGC को बेचा है। कॉनकॉल में मैनेजमेंट ने बताया था कि शायद मोस्ट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ दिस विल गो टू पे एज वेरी गुड डिविडेंड्स नेक्स्ट ईयर, बिकॉज ये कंपनी नेट बेसिस पे तो डेट फ्री है, तो उनको कोई डेट रीपे करने की जरूरत नहीं है। नॉट ओनली दैट, उनके जो दूसरे बिजनेस मॉडल्स है जहाँ पे उनके पास एक ऊर्जा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वहां पे भी आई थिंक जैसे जैसे रैम्प अप होगा तो उसकी भी वैल्यू SOTP पे ऐड होगी। मुझे लगता है ये 7,000 करोड़ के मार्केट कैप पे बहुत ही अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, बिकॉज 13 के ट्रेल पी मल्टीपल पे, फॉरवर्ड बेसिस पे देखो तो 11 का पी है, तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है, डिविडेंड यील्ड आगे जाते अच्छा देख रहा है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐसे मार्केट में, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से हम लोग पीटीसी इंडिया सिलेक्ट करें। ये लीजिए भाई, पावर एज अ स्पेस अट्रैक्टिव लग रहा है। कल परसों में चतुर्मोता साहब थे, उनका भी अगला गो टू स्पेस पावर बना हुआ था, पीटीसी इंडिया पार्थिव का प्रेफर्ड पिक है। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के सारे टॉप कॉल्स। गाबा साहब ने शुरुआत करी PI इंडस्ट्रीज, खरीदना है, कंडीशन यह है कि कल की क्लोज के आसपास मिले तब ही खरीदेंगे, चल गया तो छोड़ देंगे। 3400 का स्टॉप है, 3550 के टारगेट्स हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, PI इंडस्ट्रीज के आज रिजल्ट्स आने हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, मानस का सेल आइडिया है, कल दबाव में आया, फ्रेश ब्रेकडाउन है, 1766 का स्टॉप है, 1690 के टारगेट्स हैं, चाहे तो 1740 का पुट कोटक महिंद्रा बैंक का खरीद लीजिए। शिल्पा जी को आईटी पसंद आ रहा है और आईटी के सबसे प्रेफर्ड प्ले आपकी स्क्रीन्स पे बिरला सॉफ्ट, 830 का स्टॉप है, 880 के लक्ष्य हैं। सावंत साहब को भी दरअसल पसंद तो बिरला सॉफ्ट था, तो वो पहला पिक हो गया था उनका, लेकिन ऑलरेडी मेंशन था। तो दूसरा गो टू स्टॉक आज का InfoEdge naukri.com, 5415 का स्टॉप है, 5675 के टारगेट्स हैं। बहेती साहब को भी आईटी पसंद आ रहा है और उसमें HCL Tech उनका प्रेफर्ड पिक, 1610 का स्टॉप है, 1670 1690 के लक्ष्य। और फंडामेंटली कुछ पिक एंड चूज करना है इन स्तरों पे, कोई भी गिरावट आ रही है एक्यूमुलेट करने के मौके आप ढूंढ सकते हैं पीटीसी इंडिया में।